छत्तीसगढ़ के रायपुर का एक परिवार इन दिनों अपनी अनोखी भक्ति को लेकर चर्चाओं में बना हुआ है, क्योंकि यह परिवार करीब 752 किलोमीटर दूर अयोध्या की यात्रा पर निकला हुआ है। यह यात्रा बेहद कठिन है, क्योंकि इस यात्रा को फ्लाइट, ट्रेन या बस से पूरा नहीं किया जा रहा, बल्कि पूरी सड़क पर दंडवत लेट लेट कर किया जा रहा है। 6 साल की बच्ची योगिता साहू भी राम भक्ति में डूब कर इसी तरह यात्रा कर रही है। बच्ची के माँ बाप भी इस यात्रा में शामिल है। योगिता साहू के पिता राकेश साहू ने बताया कि मेरी पत्नी और हमारे परिवार से जुड़े कुल 16 लोगों का दल यात्रा पर निकला है। 3 महीने पहले शुरू हुई इस यात्रा पर अब हम मध्य प्रदेश के शहडोल में पहुंचे हैं। हम रात किसी सामुदायिक भवन या पंचायत भवन में गुजारते हैं, इसके बाद सुबह फिर से आगे बढ़ते हैं। शरीर पर इस यात्रा का कोई नुकसान न हो, इसलिए कुछ गद्दे साथ लेकर ये परिवार चल रहा है। सड़क पर गद्दे डालकर उस पर दंडवत लेट लेट कर यह आगे बढ़ते हैं। इस यात्रा के आयोजक राकेश शाहू ने बताया कि यात्रा 27 मई से रायपुर से शुरू की गई थी। पहले राजीव लोचन से होकर चंदखुरी राम जी के ननिहाल, कौशल्या माता के मंदिर, वहां से महामाया मंदिर, रतनपुर होते हुए 300 किलोमीटर का सफर तय कर अब यह यात्रा मध्य प्रदेश के शहडोल पहुंची है। यह दंडवती प्रमाण यात्रा मेहर, प्रयागराज होते हुए राम जन्मभूमि अयोध्या में पहुंचेगी। रायपुर में चाट का ठेला लगाने वाले राकेश शाहू ने बताया कि लॉकडाउन के वक्त उनके काम पर काफी असर पड़ा। इस मुश्किल वक्त में वह भगवान राम का ध्यान लगाए करते थे। बाद में कुछ हालात सुधरे, राम मंदिर बनाए जाने की खबरें भी आई तो मन में ख्याल आया कि क्यों न एक यात्रा की जाए। अपनी संस्था के वॉलंटियर्स और परिजनों से उन्होंने बात की और तय किया कि यात्रा तो करेंगे मगर दंडवत प्रणामी यात्रा। इस तरह की यात्रा बेहद कठिन मानी जाती है, इसलिए भगवान के अपनी श्रद्धा प्रकट करने राकेश ने इसी तरह अयोध्या पहुंचना मन में चुना। राकेश ने बताया कि हमारे साथ हमारे वॉलंटियर्स भी साथ हैं। जिस ऑटो में वह चाट का ठेला लगाते थे वही साथ चल रहा है। इसी में भगवान राम के भजन बसते हैं, उनकी एक तस्वीर साथ में है जिसकी सुबह शाम आरती उतारी जाती है। राकेश ने बताया कि यात्रा शरीर पर असर डालती है, परिवार के सभी लोग मिलकर कुछ दूरी तक एक एक करके यात्रा करते हैं। शहडोल पहुंचते ही इस परिवार को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बारिश शुरू हो गई तो सिर छिपाने को छत नहीं मिली, सड़क के किनारे ही ऑटो के साए में रात बिताने के लिए यह मजबूर रहे। राकेश ने कहा कि जब बारिश होती है तो परेशानी बढ़ जाती है, मगर भगवान राम ने तो 14 महीने का वनवास झेला था, हम तो उनके मुकाबले कुछ भी नहीं। अयोध्या पहुंचने के समय को लेकर राकेश ने कहा कि हम कब पहुंचेंगे अभी यह नहीं कह सकते, लेकिन विश्वास है कि हम पहुंचेंगे जरूर। इस परिवार की यह अनोखी यात्रा जहां से भी होकर गुजरती है तो वहां देखने वाले लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। शैला ब्यूटी जोन हमारे यहाँ सभी तरह के मेकअप, जैसे नॉर्मल मेकअप, सिलिकॉन मेकअप, एयर ब्रश मेकअप और इसके साथ ही स्किन प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट डॉक्टर्स की देखरेख में किया जाता है, और साथ ही नेल आर्ट, हेयर केमिकल, हेयर रिमॉन्डिंग, कैरेटीन, हेयर पॉलिशिंग, हेयर स्मूथनिंग और इसके साथ ही अगले सीजन के लिए विशेष स्कीम ऑफर, ब्राइडल बुकिंग कराने पर 20% डिस्काउंट, करवा चौथ ऑफर, दिवाली विशेष ऑफर, एक बार हमारे यहाँ विजिट जरूर करें। हमारा पता है DM रोड, विवेकानंद स्कूल, नियर ममता हॉस्पिटल, विनायक कंपाउंड के अंदर, बुलंदशहर।